हमारा चर्चा चल रही थी कि लास्ट क्लास में हमने चर्चा किए थे, कुछ उदाहरण लिए थे हमने भागवत से, चैतन्य चरितामृत से आदि, देवराज इंद्र का उदाहरण लिए थे, किस प्रकार से उन्होंने गुरु बृहस्पति के चरणों में अपराध किए तो उनको कितना कष्टों को भुगतना पड़ा, अपना ऐश्वर्य, अपना सब कुछ जो है हर उनका छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा, उनसे छीन लिया गया। और हमने देखा रामचंद्र पुरी जो थे वो भी माधवेंद्रपुरी के चरणों में अपराध किए, उसके कारण उनको भी बहुत कष्ट भुगतना पड़ा। हमने देखा हरिवंश ने गोपाल भट्ट गोस्वामी की बात नहीं माने तो उनको भी जो है अंत में बहुत कष्ट भुगतना पड़ा। तो इस प्रकार से जो भी गुरु के चरणों में अपराध करते हैं उनका अंत में गति यही होती है, उनको संसार में बहुत कष्टों को भुगतना पड़ता है। और कृष्ण प्रेम तो दूर दूर तक संभव नहीं है, गुरु अपराध के अपराधी को दूर दूर तक उनके जीवन में कृष्ण प्रेम तो नहीं होते, कृष्ण बहुत दूर चले जाते हैं। जो जिनके ऊपर शुद्ध भक्त नाराज हो जाते हैं या जिनसे भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध हो जाती है, गुरु के प्रति अपराध होती है, उनके जीवन से कृष्ण कहीं दूर चले जाते हैं। भगवान अपने धाम नित्य धाम में रहते हैं गोलोक वृंदावन में। जो भक्त गुरु वैष्णव की शरण रहकर उनकी बात मानकर भजन साधन करते कृष्ण उनके पास में रहते, जो अपराध करते हैं कृष्ण उनसे दूर रहते हैं, गोलोक में रहेंगे हम संसार। तो कभी कभी भक्त बड़ा कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि हमसे गुरु अपराध नहीं होगा, होंगे जो पति तो वो लोग करेंगे, हम तो जान लिए गुरु को। मैंने आपको पहले ही क्लास के प्रारंभ में बताया था, गुरु गुरु अवज्ञा की चर्चा के पहले तीन लोगों को नहीं समझ पाओगे, तो तीन तत्वों को कभी नहीं समझ सकते। कौन सा कौन बताएगा? तीन तत्वों को कभी नहीं समझ सकते हो दुर्गा माता जी, क्या क्या है? राधे रानी, गुरु और शिव जी। शिव तत्व, गुरु तत्व और राधा तत्व, ये तीन तत्वों को समझना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण को तो कृष्ण समझ में आ जाते हैं थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, मगर ये जो तीन तत्व है ना भक्तों, राधा रानी को समझ पाना बहुत कठिन, और महादेव जी को समझ पाना बहुत कठिन, और गुरु को समझ पाना ये बहुत कठिन। इसके लिए कोई ये ना सोचो कि मैं तो समझ गया गुरु जी को, पूरा 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 समझ गया, मैंने अपराध नहीं करूंगा। पुष्पेंद्र को वीडियो ऑन करो। देत्रु को वीडियो ऑन करी। सो पूरा पूरा नहीं समझ सकते, तो इसके लिए ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैं मुझे मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा हम ऐसा नहीं सोचनी चाहिए कि हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूर्ण रूप से बद्ध है, इसलिए हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो मुक्त है वो अपराध रहित होते हैं, उनसे अपराध नहीं होती है। हम पूर्ण रूप से बद्ध हैं, थोड़ा बहुत बद्ध होते तो फिर भी ठीक है, पूर्ण रूप से बद्ध हैं, इसके लिए हमसे 101% अपराध हो जाएगी। समझ आ रहा है? इसके लिए हम लोग को बड़ा ध्यान देना चाहिए गुरु वैष्णवों के साथ जब डीलिंग करते हैं, बहुत ध्यान डीलिंग करते, क्या डीलिंग करना ही पड़ता है, गुरु वैष्णव के बिना तो निस्तार नहीं है, और गुरु वैष्णव के संग में आते हैं तो अपराध करने लगते हैं। सही ना? वैष्णवों की गुरु की कृपा के बिना भगवत भक्ति में प्रगति नहीं है, और उनके संग करते हैं तो हमारा दुर्बुद्धि है कि उनमें कमी ढूंढते हैं, ये हम लोग का प्रॉब्लम है। तो साधारण रूप से जब कोई भक्त दूर से पधारते हैं तब तो हम उन्हें बहुत आदर देते हैं, परंतु हमारे साथ में रहने वाले भक्तों के प्रति हम हमेशा अपराध करते रहते हैं। ये बहुत कॉमन पॉइंट है एक्चुअली, इन जनरल पॉइंट, और ये ज्यादातर होती है, ठीक है? जब कोई वृंदावन से या कहीं बॉम्बे से या कोई दिल्ली से कोई भक्त आ गए, कोई भी क्यों ना, हमको लगेगा चतुर्भुज इनका, तो ये पूरा अभी अभी गोलोक से आया है, वैकुंठ लोक से उतर के आया है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही सोचना चाहिए उनको, सोचना चाहिए भगवान पार्षद आगे करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सोचना चाहिए,
कोई वैष्णव आए तो सोचना चाहिए भगवत धाम से अभी उतर के आया है, उनको ऐसे स्वागत करो जैसे भगवत धाम में आए, धाम से आए। और उन वैष्णवों का क्या है जो हमारे साथ में रह रहे हैं, साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, रोज हम देखते हैं जिन वैष्णव, उनका क्या? शास्त्र में कहते हैं अति परिचयात अवज्ञा। तो गुरु हमसे दूर हैं, बप्पू से दूर हैं, इसके लिए कभी कभी अगर गुरु का संग प्राप्त मिलती है, अवसर मिलता है, तो हम तो गुरु को भगवान जैसा ही मानते हैं, उनको इतना ही पूजा करते रहते। वही हम लोग का स्थिति ऐसा है, अगर हम गुरु के साथ ही रहने लगे, अगर ऐसा मिल जाए पर्सनल सेवा कर, तो फिर गुरु का ही अवगुणों को देखने लगेगा। हमारा ऐसा मत ही है, हमारा ऐसा बुद्धि है, ये दुर्बुद्धि हम लोग। अति परिचयात अवज्ञा, और ज्यादा परिचय हो जाते ना, फिर हम अवज्ञा करने लगते हैं, उनको मानते नहीं। ये क्या, अरे ये प्रभु जी तो रोज हम इनको देखते हैं, दूर से आने वाला ही वैष्णव नहीं है, हर एक भक्त जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा गुरुदेव के प्रति, वैष्णव के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण सही नहीं है, इस प्रकार का दृष्टिकोण सही नहीं। तो कुछ उदाहरण प्रभुपाद जी के समय का हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी भी झेले थे भक्तों से। श्रील प्रभुपाद जी जब भागवत का पहला मुद्रण पहले प्रिंट करवाने थे, फर्स्ट प्रिंट जब हो रहा था, उस समय प्रभुपाद जी ने बार बार बोले थे कैसे प्रिंट करना है, क्या लिखना है, कैसे उसका बाइंडिंग कैसा होनी चाहिए, एवरीथिंग प्रभुपाद जी ने गाइड किया। फिर भी जब प्रिंट होके आया किताब फर्स्ट कैंटो, तो क्या लिखा हुआ था ऊपर, श्रीमद भागवतम, नीचे लिखा हुआ था ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, बस इतना लिखा हुआ था। प्रभुपाद जी बोले कि हिज डिवाइन ग्रेस कहाँ है, पूरा नाम क्यों नहीं लिखा आपने? तो वापस प्रिंट करने गए, प्रिंट करके लाए हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, बस इतना प्रिंट कर दी। प्रभुपाद जी बोले फाउंडर आचार्य किधर गया, तीसरी बार की बात है, फाउंडर आचार्य कहाँ है? तो फिर लिखे फाउंडर आचार्य इसको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, पूरा लिखे। ये प्रभुपाद जी का पूरा नाम है, हम शॉर्टकट में श्रील प्रभुपाद बोल देते हैं। पूरा नाम क्या है, इस्कॉन क्या है, फाउंडर आचार्य की हिंदी में क्या बोलेगी, संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इतना बड़ा नाम किसी का नहीं होगा ना, इतना बड़ा नाम, नाम बड़ा है तो काम भी बड़ा है ना, प्रभुपाद जी ने काम भी तो बड़ा किया। उनके माँ, उनके नाम में ही भक्ति भरा हुआ है, प्रभुपाद जी का नाम ही कोई लेगा तो उसी में उनका भक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रभुपाद जी का पूरा नाम कोई कृष्ण कृपा मूर्ति है वो श्रील प्रभुपाद। तो इस अभी फिर प्रभुपाद जी जब देखे प्रिंटिंग होके आया, बाइंडिंग ठीक नहीं था, बराबर नहीं था, पेज निकल रहे थे बीच में से, तो कितना खामोख्याली था, प्रभुपाद जी ने इतना सहन किए। प्रभुपाद जी बड़े दुखी होते थे, बार बार हम सुनते हैं गुरु का पदवी क्या है, गुरु कौन होते हैं। एक बार एक शिष्य ने श्रील प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखे, क्या पत्र लिखे, प्रभुपाद जी का शिष्य क्या पत्र लिखे थे पता है, क्या आध्यात्मिक गुरु परफेक्ट हैं, प्रश्न किसको कर रहे हैं, उनकी गुरु को ही, प्रभुपाद जी को ही कर रहे हैं, क्या आध्यात्मिक गुरु परफेक्ट हैं, पूर्ण हैं, अब बताइए। यानी प्रभुपाद जी के प्रति शंका, कैसे शंका पैदा होती है, अति परिचयात अवज्ञा, गुरु के साथ जब रहते हैं या वैष्णव के साथ रहते हैं उनकी कमियां हम देखने लगते हैं। उनकी कार्यकलाप कैसे रहता है, गुरु का साधारण ही रहता है, वो भी हमारे जैसे ही खाते हैं, हमारे जैसे ही सोते हैं, हमारे जैसे ही चलते हैं, हमारे जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, हमारे जैसे ही फोन यूज करते हैं, मगर हम लोग क्या सोचने लगते हैं कि ये तो साधारण है, हमारे जैसा ही है ये, मगर नहीं,
उनका कार्यकलाप से उनको नहीं मापा जा सकता है, उनका पोजीशन को नहीं हम समझ सकते। श्रील प्रभुपाद जी तुरंत रिप्लाई किए, क्या लिखे, सो फार दिस लाइफ इज कंसिडर आई डू नॉट रिमेम्बर एनी पार्ट ऑफ माई लाइफ व्हेन आई फॉरगेट कृष्णा। प्रभुपाद जी ने तुरंत उनको रिप्लाई लिखे कि अभी तक मुझे ऐसा कोई अवसर स्मरण नहीं है जिस अवसर में मैं कृष्ण का याद नहीं किया हूं या कृष्ण को भूल गया हूं। ऐसा कभी मैं मुझे याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कभी ऐसा समय हुआ मैं कृष्ण को भूला हूं। प्रभुपाद जी ने उनको प्रश्न क्या था कि आध्यात्मिक गुरु परफेक्ट है, प्रभुपाद जी उत्तर में लिखे कि अब तक मुझे तो ऐसा कोई स्मरण नहीं हो रहा है कोई समय जो मैं कृष्ण को भूल गया। बताइए, एक भक्त श्रील प्रभुपाद जी का इमिग्रेशन फॉर्म भर रहे थे। इमिग्रेशन फॉर्म क्या होता है, विदेश जाने के लिए भरते हैं, पासपोर्ट के लिए या ये वीजा के लिए जो भी है। इमिग्रेशन फॉर्म भर रहे थे और श्रील प्रभुपाद जी बैठे थे और ये फॉर्म भर रहे थे। प्रभुपाद जी पूछ रहे थे वो फॉर्म को भरने के लिए, व्हाट इज योर नेम। तो प्रभुपाद जी बोले डिवाइन ग्रेस से भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद लिख दिए। व्हिच इज योर कंट्री, आपका देश कौन सा है। प्रभुपाद जी बोले भारत। फिर उसमें और एक प्रश्न है, क्या हुआ राजकुमार को, क्यों हाथ उठा रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको। हाँ जी, क्या बोल रहे जी, प्रभु जी क्या हो गया। पापा को थोड़ा तबियत ठीक नहीं है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। ले जाइए ले जाइए, बिल्कुल लेके जाइए। सो थैंक यू प्रभु जी, ध्यान रखिए पापा जी का। तो इमिग्रेशन लेटर लिख रहे थे, पहला पूछ रहे आपका नाम क्या, तो प्रभुपाद जी ने बोला आपका देश भारत। तीसरा प्रश्न था उसमें, इज यू डन एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज, आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज किया है, क्या कहते हैं क्रिमिनलिटी, जघन लिखा है क्या बोलते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज हिंदी में क्या बोलूं, जो भी है आप समझ रहे हैं ना, क्रिमिनल एक्टिविटी उसमें था उस फॉर्म में, आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज किया। तो उस शिष्य ने पूछ रहे हैं, प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज किया है। प्रभुपाद जी एकदम शॉक हो गए, बताइए गुरु को ऐसे कैसे पूछ सकते हैं आप क्रिमिनल एक्टिविटीज किए हैं। देखिए ये है परिस्थिति, ये कैसे होता है, ध्यान रखना चाहिए, हर क्षण ध्यान रखना है। गुरु का पदवी को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा हमको, वरना हम किसी भी क्षण गुरु के प्रति अपराध कर ले। और हम छोटा छोटा मन में जब लाते हैं ना उनके प्रति कोई भी चीज, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जो मन में आता है ना, जो हाँ जो क्या बोलते हैं अपराध का शंका, बड़ा सूक्ष्म अपराध ही घोर अपराध का मूल कारण है। जो छोटे छोटे मन में आने वाला ही अपराध क्यों ना हो, वो धीरे धीरे बड़ा अपराध कर लेता है। इस सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज ने श्री प्रभुपाद जी के लीलामृत जो लिखे ना, प्रभुपाद लीलामृत, उनका नाम है सत्स्वरूपदास गोस्वामी, वो लिखते हैं अपनी किताब में डायरी में, सूक्ष्म अपराध ही घोर अपराध का मूल कारण है। छोटे छोटे अपराधे ही वो बड़ा अपराध का कारण है। इसके लिए हमको उसको मीन्स प्रारंभ होने से पहले ही उसको रोकना है, मन में आने से पहले ही रोकना है। उसके लिए हम विचार करेंगे किस प्रकार से प्रभु जी इसको, हम कैसे अपराध से बच पाएंगे, कैसे अपराध किए उससे बच पाएंगे, चर्चा होगी। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए भक्तों को, मन से ही निकालनी है, मन से ही दूर कर, मन में नहीं आना देना। तो इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा क्या है पता है, महाप्रभु ने क्या कृपा किया, भगवान ने, गौर नित्यानंद ने क्या कृपा की, नाम लिया, नाम दिया है, हमको नाम दिए ठाकुर जी ने, गौर नित्यानंद ने प्रेम नाम दिए, यस बिल्कुल दिए हैं। मगर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं गौर नित्यानंद ने क्या कृपा किया, उनका उनका सही कृपा कौन सा है। सूर्य चंद्र बाहिरेरा तमह से भी न से
सूर्या चंद बाई रे राम तमा से दीना से बाहिर वस्तु घटा पटा आदि से प्रकाश बाहिर वस्तु घटा पटा आदि से प्रकाश दोई भाई दायरा चाली अंधा करो दोई भाई दायरा चाली अंधा करो दोई भाग मत संगे करन साक्षात्कार दोई भाग मत संगे करन साक्षात्कार एक भाग मत बड़ा भाग मत शास्त्र एक भाग मत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र आर भागवत भक्ति रस पात्र। तो दोनों भाई निताय गौर सुंदर दोनों ने एक ही तरफ से उदय हुए पूरब से दोनों ने प्रकट हुआ। एक्चुअली चंद्रमा रात को प्रकट होता है सूर्य दिन में प्रकट होता है। सूर्य जब प्रकटित होता है चंद्रमा नहीं दिखता है चंद्रमा जब प्रकटित होता है सूर्य का आलोक नहीं होता है कि नहीं। चंद्रमा का पूरा जो उजाला है वो आप रात को देख सकते हैं दिन में अगर दिखे भी चंद्रमा तो आपको उसका उजाला का अनुभव नहीं होगी सूर्य का रूप। तो सूर्य चंद्रमा अभी यहां पर एक साथ में प्रज्वलित हुए गौर निताय एक साथ प्रज्वलित हुए गौर देश में प्रकटित हुए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं कहते हैं सूर्य चंद्र बाहरे तमाशे विनाश। ये सूर्य चंद्र क्या करते हैं बाहर का जो अंधकार है ना उसको विनाश करते हैं। सूर्य का तो उदय से बाहर का अंधकार विनाश होता है मगर सारे लोग पाप में लग जाते हैं जैसे दिन होता है लग जाते नहीं लग जाते भोग विलास में धन कमाने में कर कर्म में इधर उधर सब पाप में लग जाते। रात को कम से कम सो जाते चोर डकैतियों को छोड़ के बाकी सब तो सो जाते हैं रात रात का घड़ी ठीक है। दिन में सूरज उजाला होता है जैसे प्रकट होता है बस वैसे ही सब काम काज शुरू हो जाती है। मगर कहते हैं सूर्य चंद्र बाहरी तमस विनाश है बहिर्वस्त्र घट पट आदि से प्रकाश है। बाहर का जो भी वस्तु है वो घट हो या पट हो जो भी है वो सबको प्रकाश मान करते हैं हर जगह पे। अगर ये दो भाई सूर्य चंद्र बाहर का अंधकार मिटाते हैं मगर ये दो भाई कृष्ण बलराम जो गौरनीत है वो क्या कर रहे हैं दुई भाई हृदय रो छाली छाली अंधकार। ये दोनों भी अंधकार को विनाश करते हैं किसका बाहर का नहीं हृदय के अंदर का अंधकार विनाश करते हैं। दुई भागवत संगे करान साक्षात ये क्या करते हैं हृदय के अंदर प्रवेश करके हृदय का अंधकार को विनाश करते हैं और दो भागवत का साक्षात्कार कराते हैं। देखिए यहां पर कहा गया है दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार एक होता है मैंने सुन लिया दूसरा होता है साक्षात्कार होना। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखा है ना आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। हमने सुना है आत्मा के बारे में शरीर के बारे में साक्षात्कार नहीं किया है। वैसे ही हमने गुरु स्वीकार किया है हमने दीक्षा लिए हैं गुरु का साक्षात्कार नहीं हुई हमको। गुरु का साक्षात्कार होता तो ऐसे हम लोग ढीला ढाला भजन नहीं करते इस प्रकार हमारा शरणागति नहीं होती। तो महाप्रभु गौर निताय क्या करते हैं हमारे हृदय का अंधकार को नाश करके हमको दो चीज देते हैं दो जन का साक्षात्कार कराते हैं। वो कौन सा एको भागवत बड़ो भागवत शास्त्र एक भागवत क्या है भागवत शास्त्र है जो ग्रंथ भागवत जिसको कहते हैं आप। आरो भागवत भक्त भक्ति रस पात्र दूसरा गुरु
ये दो भागवत हमारा जीवन में क्या कराते हो, साक्षात्कार कराते हो। सिर्फ समझाना नहीं, साक्षात्कार और समझना दोनों बहुत अंतर है। सुन लेना, हाँ ठीक है मैं समझ गया हूं, आत्मा के बारे में जानता हूं ना मैं, आत्मा के बारे में, ये काफी नहीं है। साक्षात्कार होना यानी आत्मा के स्तर पे जीना, वैसे गुरु को जान लिया, हाँ हाँ गुरु है ना, वो भगवान के समान है। हमने सुना साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, अभी हमने जो भी क्लास दे रहे हैं ये साक्षात्कार वाला क्लास थोड़ी ना है ना, ये हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमने पढ़ लिया शास्त्र में, सुन लिया किसी से, हमने बताया। साक्षात्कार वाला जो ज्ञान है ना वो अलग होता है, वो अलग होता है। तो इसलिए भक्तों सिर्फ जान लेना ही पूर्ण नहीं है, साक्षात्कार होना जरूरी है। नाम के बारे में क्या हम नहीं जानते हैं, भगवान नाम के बारे में, हरि नाम के बारे में नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, साक्षात्कार किए हैं नहीं किए हैं? भगवान को नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्लोक के साथ हम बोल सकते हैं। साक्षात्कार हुई है नहीं हुआ, दोनों बहुत अंतर है दोनों में, जान लेना साक्षात्कार। तो ये है श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हमको दो भागवत का साक्षात्कार, और दूसरा संसार में जनता के अब जनताओं में साधारण मनुष्यों में विप्लव कुछ कर सकता है तो ये दो भागवत है। जनता का विप्लवम भागवत, भागवत में एक श्लोक है, कौन सा श्लोक आपको याद है क्या? तद्वाक विसर्गो जनता का विप्लवम यस्मिन प्रति श्लोकम अबद्ध व्यत्यपि, एक श्लोक आता है भागवत में। ये भागवत ही जनताओं में विप्लव क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन, जनताओं में रिवोल्यूशन लाना, दो कर सकते हैं, या एक तो ग्रंथ भागवत, दूसरा है भक्त भागवत। श्रील प्रभुपाद जी अकेले ना, अकेले नहीं थे, क्षमा करिए, ग्रंथ भागवत साथ में था। प्रभुपाद जी जब यहां से गए वो स्वयं भागवत, दूसरा एक भागवत उनके हाथ में था, भागवत को ले गए थे प्रभुपाद जी अपने ट्रंप पेटी में, जो उनके पास वो पेटी था उसमें भागवत ले गए थे प्रभुपाद महाराज। तो ये दो ही चीज पाश्चात्य जगत का, पाश्चात्य देशतारी ने प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र देख लो आप लोग, नमोम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, ये टाइटल किसी को नहीं दिया जा सकता है, दिया जा सकता है पाश्चात्य देश को कोई तारण किया, शील प्रभुपाद ओनली, ओनली एंड ओनली। और कितने भी आचार्य गण आए हैं, बहुत बड़े बड़े आचार्य आए, मगर पाश्चात्य देशतारिणे का टाइटल सिर्फ प्रभुपाद ने ले लिया। क्यों, ये विप्लव कैसे हुआ पाश्चात्य जगत में, मांस भक्षण करने वाले व्यभिचार करने वालों के अंदर, एक तो श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध थे इतना, दूसरा शुद्ध ग्रंथ था। इसके लिए भक्तों ये दो ही चीज हमारा जीवन में परिवर्तन ला सकता है, भागवत और भागवत यानी ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, गुरु एंड भागवत, शास्त्र, शास्त्र हमारे लिए भागवत। इसके लिए हम लोगों को भागवत, इसलिए प्रभुपाद जी ने नियम बनाया नित्यम भागवत सेवा क्या है। क्यों प्रभुपाद जी नित्यम भागवत सेवा क्या सेवा करने के लिए बोले, नियम बनाए क्यों, क्योंकि ना रोज भागवत सुनोगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आप साक्षात्कार कर सकते हो भागवत को। अरे भागवत बिना पढ़ के कैसे साक्षात्कार करोगे, पढ़ोगे सुनोगे संतों के मुख से तब ना साक्षात्कार होगी भागवत के बारे में, भागवत के। वैसे ही गुरु साक्षात्कार कब होगी, अच्छा ठीक है अभी साक्षात्कार क्यों नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम क्या है, उतना ही साक्षात्कार होता है गुरु और भागवत का जितना हमारा स्वीकृति है। देखो पॉइंट पॉइंट ध्यान रखिएगा क्या हम बतला रहे हैं, हमारा साक्षात्कार उतना ही गुरु और भागवत के प्रति होती है जितना हमारा स्वीकृति है, पूर्व स्वीकृति है। स्वीकृति के बिना साक्षात्कार बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, तो हमारा स्वीकृति जितना है उतना साक्षात्कार, जितना स्वीकृति उतना साक्षात्कार। अच्छा ठीक है,
तो प्रभु जी अभी स्वीकृति कम है, क्या करें, कैसे स्वीकृति बढ़ाया जाए? एक ही उपाय, स्वीकृति बढ़ाने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? इसको सभी भक्त लोग याद कर लेनी चाहिए। अनुगत्य से सेवा करने से हम शब्द ब्रह्म को समझ सकते हैं। शब्द ब्रह्म क्या है? यानी गुरु जो बतलाते हैं या भागवत में जो लिखा हुआ है, शब्द ब्रह्म है। भागवत में जो लिखा है, गुरु जो बोलते हैं, इसको हम नहीं समझ पाते। व्हाई? क्योंकि हम लोग का स्वीकृति नहीं है उतना। जो जितना स्वीकृतिवान है उतना समझ पाता है उसको। तो अभी स्वीकृति बढ़ाने का एक ही तरीका है, अनुगत्य। मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया? अनुगत्य में रहकर सेवा करनी है। अनुगत्य क्या है जी? हम लोग का सबसे बड़ा कमी यही है भक्तों, अनुगत्य नहीं है हमारा। हम लोग का पतन का दो कारण है, हम लोग का पतन का दो ही कारण है, गुरु एवं आचार्यों के प्रति संशय एवं समालोचना हमारा पतन का कारण है। समझ में आ रहा है? हमारा पतन का कारण क्या है? गुरु वैष्णव के प्रति, आचार्य के प्रति संशय करना और समालोचना। समालोचना यानी जजमेंट, जजमेंट कहेंगे ना, हाँ, उनके बारे में जजमेंट करना, ऐसे ऐसे क्यों है गुरु, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, उसको समालोचना के जजमेंट करना, संशय करना, जजमेंट करना, ये दो हमारा पतन का मूल कारण है, वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति, आचार्यों के प्रति। डाउट और एक जजमेंट। डाउट आएगा तो जजमेंट करेगा, ऐसे क्यों किया, क्योंकि ना संशय आ गया आपके दिमाग। दो चीज। अच्छा, दूसरी बात है, भजन में क्यों बल नहीं है? सब कुछ तो कर रहा हूं मैं, नाम जप रहा हूं, भागवत पढ़ रहा हूं, श्रवण कर रहा हूं, सब कर रहा हूं, फिर भी क्यों शक्ति नहीं आ रहा है? भक्ति में शक्ति क्यों नहीं है? भक्ति में बल क्यों नहीं मिलता है? व्हाई नॉट? उसका भी कारण दो है, गुरु एवं आचार्यों के प्रति आश्रय यानी निर्भरता एवं अनुगत्य, ये दोनों नहीं है, इसके कारण हमारा भजन में दृढ़ता बल नहीं मिलती है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत महत्वपूर्ण विषय है समझने के। गुरु आचार्यों के प्रति संशय समालोचना यह हमारा पतन का कारण है, और गुरु आचार्य के प्रति आश्रय यानी निर्भरता, पूर्ण निर्भरता, आश्रय, अनुगत्य, अनुगत्य यानी शब्द नहीं, अनुगत्य का अर्थ है वो जो बोलते हैं उसको हूबहू करना, जो गुरु वैष्णव बोलते हैं उसको एजिटेट करना, उसमें कोई संशय नहीं रखना, उसका अनुगत्य कहा जाता है। अनुगत्य अनुसरण करना, वो जो बोलते हैं वैसे करना, अनुगत्य। ये जितना दृढ़ होता है ना, आश्रय जितना दृढ़ है आपका, अनुगत्य जितना दृढ़ है गुरु वैष्णव के प्रति, हमारा भजन में उतना बल होता है, होगा 100% होगा हमारा भजन में बल। और हम लोग के मन में संशय और समालोचना है, इसके लिए हर परिस्थिति में हम लोग मेंटल स्पेकुलेशंस करते हैं, इसके कारण हम लोग का भजन सब चल रहा है, 16:32 कर रहे हैं, 32:64 भी कर रहे हैं, सुबह भी उठ रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी भक्ति में लगता है कि यार ढीलापन आ रही, बल नहीं आ रहा है। कारण यही है, गुरु के प्रति हमारा आश्रय नहीं। पूर्णाश्रय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है गुरु के प्रति। सिर्फ दीक्षा ले लेना ये काफी नहीं है, दीक्षा दिला दो, दीक्षा दिला दो, दीक्षा हो गया फिर क्या, उसके बाद दीक्षा प्रारंभ है, दीक्षा प्रारंभ है भक्ति का। सेकंड स्टेप क्या है? गुरु का साक्षात्कार। दीक्षा के बाद क्या करना है, हमारा कार्य क्या है? गुरु का साक्षात्कार होना जरूरी है, और ये साक्षात्कार के बिना पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर पाना नामुमकिन है, असंभव है। समझ आ रहा है ना? गुरु साक्षात्कार के बिना पूर्ण भक्ति को प्राप्त करना ये नामुमकिन है, संभव नहीं। तो हम लोग
ये भेदभाव करते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन। इसके लिए हर एक वैष्णवों को, हर एक भक्तों को उचित सम्मान देते हुए हमको, वॉइस स्लो है मेरा, आप लोग को स्लो आ रहा है मेरा वॉइस? कौन है ये स्लो लिख रहे हैं? निशा माता जी आप आवाज बढ़ाओ आपके मोबाइल का। तो यस, हम क्या बोल रहे थे कि हम अपने मनोकल्पना से गुरु वैष्णव को नहीं समझ सकते। इतना सुनने के बाद भी जब हम मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं तब क्या होता है, हम लोग का पतन होती है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सभी शुद्ध वैष्णव है। क्या कहते हैं? कनिष्ठ शुद्ध भक्त, मध्यम शुद्ध भक्त, उत्तम शुद्ध भक्त। समझ में आ रहा है? तीन प्रकार के वैष्णव आपने सुना है, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कनिष्ठ शुद्ध भक्त, मध्यम शुद्ध भक्त, उत्तम शुद्ध भक्त। तीनों शुद्ध भक्त है। कनिष्ठ जो है वो भी शुद्ध भक्त है, मध्यम जो भी शुद्ध भक्त है, उत्तम जो भी शुद्ध भक्त है। कैसा? नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, देखो। जो भी भक्त ईमानदारी से प्रगति करने के लिए प्रयास करता है वो कनिष्ठ होने पर भी शुद्ध भक्त है। ये मेन चीज है, नीचे का जो लाइन है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईमानदारी से प्रगति करने के लिए जो प्रयास करता है वो शुद्ध भक्त है। हमारा ईमानदारी का क्या है, कितना हम ईमानदार है? अच्छा, ईमानदार कौन होता है? जो जितना सरल है वो उतना ईमानदार है, जो जितना सरल है वो उतना ईमानदार है। समझ आ रहा है? सरल जो होगा वो ईमानदार भी उतना ही। एक छोटा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, उसको पूछो कि बेटा आपने देखा यहाँ पर किसने ये रख के गया, तुरंत बता देगा। अरे वो तो बाबूजी रख के चले गए। कचरा कौन फेंका, तुरंत बता देगा, ये बाबूजी फेंक के गया कचरा। हृदय सरल, वो बोलेगा नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने तो देखा ही नहीं है, ये सब कपटता है, सरलता थोड़ी है। एक लास्ट टाइम एक भक्त ने फोन किया मुझे, सॉरी प्रभु जी क्लास में नहीं आ पाया। बोले कोई बात नहीं, बोले प्रभु जी मेरे बेटा का बहुत तबीयत खराब था। बोले कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई दिक्कत आप बेटा का तबियत खराब क्या कर सकते। घुमा फिरा के लास्ट में पूछा सच में खराब है क्या, बात करा उससे क्या हो गया। प्रभु जी क्षमा करेगा, होमवर्क नहीं किया था इसलिए नहीं आया, क्षमा करिए। लास्ट में बोला कि अब बताओ ईमानदारी कहाँ रह गई, सीधा पहले ही बोल दो कि होमवर्क नहीं किया, नहीं आ पाया प्रभु जी, खत्म बात। वो मेरा बेटा का तबियत खराब है, इतना बहाना करने का क्या, ये ईमानदारी, ये कपटता है जी। ये छोटा बात के लिए भी झूठ बोलना कपटता है, कपट ही ऐसे कर सकते हैं। ईमानदार भक्त ऐसे नहीं करेंगे, वो तो सरल प्रभु जी नहीं हुआ क्या कर सकते, नहीं कर पाया, प्रयास किया नहीं हुआ। तो इसके लिए ईमानदारी सरलता से होती है, सरलता से ईमानदार बनते हैं। और कहते हैं सरलता ही वैष्णवता है, सरलता ही वैष्णवता है। भी प्रश्न तो सरलता का परिभाषा क्या है? सरलता का अर्थ है गुरु साधु शास्त्र को हूबहू स्वीकार करना। हूबहू शब्द यहाँ पर हमने लिखा, ये जो नोट्स है ना भक्तों, ये कोई मीन्स ऐसे नहीं शास्त्रों का लिखा हुआ नोट, ऐसा नहीं, वो मैं मेरे भाषा में नोट्स बनाया, मैंने जो समझा मैंने जो पढ़ा उसको मेरे भाषा में नोट्स बनाया, इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना। मेरे लैंग्वेज में लिखा होगा। तो सरलता का अर्थ है गुरु साधु और शास्त्र को हूबहू का अर्थ एज इट इज स्वीकार करना, उसको कहते हैं सरल। उसमें थोड़ा भी मिलावटी नहीं करना, जो बोले कि हाँ ठीक है गुरु बोले मीन्स वो करना है मेरे वो मेरे लिए से है, वो सरल है। अब देख लीजिए हम कितना वैष्णवों का शास्त्रों का गुरु का वाक्य मानते हैं। अब इस काम में हमारे संस्था में जो गुरु वृंद है वो ना स्त्री से ना धन से ना सम्मान से किसी से भी उनका पतन नहीं हो सकता है। हमारे इस्कॉन में जो गुरु वृंदों का इतना प्रभुपाद जी का शक्ति संपन्न है, भगवत शक्ति संपन्न है, वो कोई स्त्री के प्रभाव से उनका पतन नहीं हो सकता,
धन के प्रभाव से। एक्चुअली भौतिक संसार में पतन ये तीन ही है, या तो स्त्री किसको गिराएगा, या धन इसको अहंकार से डुबाएगा, या मान सम्मान मिलता अहंकार से डूबता है। ये तीन, अगर ये तीन गुरु को नहीं पतन नहीं करा सकता है, गुरु का पतन नहीं हो सकता इस। श्रील प्रभुपाद जी के समय पर प्रभुपाद जी ने 11 भक्तों को गुरु बनाए थे, उनके 11 शिष्यों को गुरु बनाए थे। जब श्रील प्रभुपाद जी चले गए इस धराधाम को छोड़ के गए, तो कुछ उसमें से कुछ गुरु थे जो प्रभुपाद जी की विरह को सहन नहीं कर पाए, तो क्या किए, छोड़ दिए, इस्कॉन को छोड़ दिए, उनका पतन हुआ। तो इसको उनको छोड़ देना पतन है नहीं, फिलोसॉफिकली वो लोग का डाउनफॉल हुआ। एक ही चीज का से पतन होगा, क्या मैंने बताया ना, कौन सा चीज से हमारा पतन होता है, संशय, संशय की, संस्था के प्रति संशय हुआ, प्रभुपाद जी के प्रति संशय हुआ, तो संशय से वो क्या किए, छोड़ दी, संशय से छोड़ दिया, जजमेंट, संशय से जजमेंट किए। ऐसे प्रभुपाद जी थे तब तक शुद्ध था ये संस्था, प्रभुपाद जी के बाद ये संस्था में कोई शुद्धता नहीं रह गया। प्रभुपाद जी अकेले जो है शुद्ध भक्त है, उसके बाद जो आया वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो अपना मेंटल स्पेकुलेशन किए, वो इसको छोड़ दिया, उनका डाउनफॉल हुआ, वो लोग का पतन हुआ। कैसे पतन हुआ, वो संशय और मेंटल स्पेकुलेशन से उनका पतन हुई, फिलोसॉफिकली पतन हुआ। अभी कुछ गुरु जो है छोड़ दिए इसको, छोड़ने के बाद एक दल बन गए, अलग एक दल निकला, वो क्या प्रूव किए कि भाई प्रभुपाद जी ही जो है सर्वे सर्वा गुरु है, उसके बाद कोई गुरु नहीं बन सकता। उन्होंने तो एक स्टेटमेंट ही बता दिया कि उसके बाद कोई नहीं गुरु बन सकता, उन्होंने काट दिया इसको। उन्होंने देखिए, ये सब मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, शास्त्र में एकदम साफ साफ बताया गया है कि जय कृष्ण तत्वव्रता सही गुरु है, और गुरु परंपरा हमेशा चलते आ रही है, चलते जाता रहेगा ये गुरु परंपरा, ये कोई खंडित नहीं होगा, कहीं रुक नहीं जाएगा। ऐसा नहीं प्रभुपाद जी के टाइम खत्म हो गया। तो अभी एक ग्रुप ने क्या, उन्होंने ये दावा किया कि प्रभुपाद जी ही मूल गुरु है, अंतिम गुरु है, उनके बाद कोई नहीं गुरु बन सकते, तो वो अलग हो गए। उनका भी एक प्रकार से कहा जाए कि उस ग्रुप का भी डाउनफॉल ही हुआ है, वो पतित ही है, पतन ही हुआ इन लोग का, क्योंकि ना उन लोगों ने फिलोसॉफिकली गिर गए, शास्त्रों को नहीं समझ पाए, प्रभुपाद इतना सिखाने के बाद भी वो लोग फिलोसॉफिकली डाउनफॉल। बस यही है कारण हमारा भक्ति में पतन का, हम अगर संशय करने लगेंगे साधु गुरु शास्त्र को ना, गया हमारा पतन निश्चित है। उसको ऋत्विक कहते हैं, जो ग्रुप ने अलग हो गए इस कौनसे, उनको ऋत्विक कहते हैं, ऋत्विकवादी वो लोग, बहुत खतरनाक है इस प्रकार का। यही पतन है भक्ति में, प्रकट पतन का यही कारण है, संशय गुरु को प्रति नहीं होना। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, गुरु कृष्ण वैष्णवे ते सम भक्ति करी, गुरु कृष्ण वैष्णवे ते सम भक्ति करी, नामाश्रय शुद्ध भक्ति शीघ्र जाए तारी, नामाश्रय शुद्ध भक्ति शीघ्र जाए तारी। ये हरिराम चिंतावनी में हरिदास ठाकुर कहते हैं, गुरु कृष्ण वैष्णव थे, गुरु भगवान और वैष्णव से समभक्ति करी, इन तीनों को समान दर्जा देना है, यानी तीनों को समान रेस्पेक्ट देनी है, उनको तीनों का समान सेवा करनी है, गुरु को, भगवान को, वैष्णवों को। और अभी ये तो शास्त्र में हमने पढ़ लिया, जब वैष्णव अपराध का चर्चा हुआ, वैष्णवों का हमने महानता को देख लिया है, जो दोनों हाथ ऊपर करके नाचता है तो ऊपर का सारा मंगल नष्ट हो जाता है, भू देवी गदगद हो जाती है, हमने पढ़ा है, चैतन्य भागवत से प्यार लेके पढ़ा। तो वैष्णव का महिमा हमने देखा है, गुरु का महिमा हमने श्रवण कर लिया, कृष्ण का महिमा तो हम सुनते ही रहे। तो ये तीनों को समभक्ति करी, जो ये तीनों को बराबर का
सेवा करता है, भक्ति करता है, इन तीनों को सम्मान देता है, नामाश्रय शुद्ध भक्ति, और साथ साथ में गुरु वैष्णवों के आदेशानुसार नामाश्रय, नाम के प्रति आश्रय करता है, नाम जपता है रोज नियमित, और शुद्ध भक्ति कर वो शीघ्र जाए तरी, वो जल्दी तर जाता है। एकदम सरल उपाय है मगर बहुत कठिन कार्य है। उपाय तो सरल है, कार्य बड़ा कठिन है। तीनों को सम्मान देकर, इन तीनों का वाणी को समझकर, कृष्ण का वाणी यानी भागवत का वाणी जो शास्त्र में बताएगा कृष्ण बोल दिए, और गुरु वैष्णव वही भागवत वाणी कहते हैं हमको, है कि नहीं। तो इन तीनों को समान दृष्टि से देख कर उनका भजन करना है, उनके शरण में रहकर नाम जपनी है, और वो व्यक्ति शीघ्र जाए तरी, बहुत अति जल्दी तो तर जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, जन्म जन्मांतर नहीं लगेगा, गोलोक वृंदावन जाना उसके लिए सरल हो जाएगा। भक्ति उन्हीं के लिए सरल है भक्तों जो इसको आश्रय लेकर करता है। इसके लिए हम बताए ना आश्रय, और क्या शब्द बोला मैंने, आश्रय और अनुगत्य ना, अनुगत्य, आश्रय अनुगत्य बहुत जरूरी। हम लोग आश्रय अनुगत्य सिर्फ बोलने, गुरु आश्रय ले लिया, प्रभुपाद आश्रय ले, सिर्फ बोलने से आश्रय नहीं हो जाती है। बस मुझे इतना पता हो गया मेरा गुरु आश्रय तो हो गया, वैष्णव मैंने प्रभुपाद आश्रय ले लिया, इतना इतना दिन हो गया ना, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, प्रभुपाद आश्रय ले लिया, बोलने से आश्रय थोड़ी हो गया। आश्रय हृदय से आश्रय लेने, यानी मेरा सब कुछ आप है, मेरे होल एंड सोल आप है, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे लंद किशोर, यह है पूर्ण आश्रय। मानस देह गेह, मेरा मन, मेरा देह और मेरा गेह जो भी है, घर, मेरा शरीर, मेरा मन, जो भी मेरे पास जो कुछ है अभी, अर्पिलु तुया पदे, सब कुछ आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं, ये आश्रय है। आश्रय कौन लिया है? पांडव लोग ने लिया है। पांडव लोग ऐसा नहीं है कि जब महाभारत युद्ध हुआ तब आश्रय लिए भगवान का, क्योंकि ना भाई भगवान ने कम से कम हमको सपोर्ट करेंगे युद्ध में, मेंटली या फिजिकली हमको सपोर्ट मिलेगा भगवान से, इसके लिए आश्रय लिए थे ना। जब संकट में थे तब भी आश्रय लिए थे, जब उनको हस्तिनापुर मिल गया तब भी आश्रय में रहे, आश्रय नहीं छोड़ा इन लोगों ने, इसको कहते हैं असली आश्रय। और दूसरी बात है भक्तों, भक्तों के जीवन में सुख दुख होता ही नहीं है, भक्ति सुख दुख का परे है। तो हम कहते हैं कि पांडवों के जीवन में बहुत दुख आया, पांडवों के जीवन में कभी दुख नहीं आया, क्यों? जो पूर्ण शरणागत होते हैं उनके जीवन में दुख आ सकता है ना, उनके जीवन में कोई सुख है, उनके जीवन में भक्ति और भक्ति के द्वारा आनंद ही आनंद है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्मपनम परम विजयते, पूर्णानंद को प्राप्त करते हैं भक्त। तो आश्रय यानी ऐसा नहीं कि दुविधा के समय आश्रय ले लिया और जब थोड़ा सा भौतिक सुख मिल गया गया, नॉर्मल ऐसे होता है हमारा जीवन में, दुख के समय पर खूब रोते हैं, फटकारते हैं भगवान को, जैसे ही दुख गया तो थोड़ा सुख आ गया, बस भगवान को भूल जाते हैं। ये तो कर्मियों का बुद्धि है ना, भक्तों का बुद्धि कहाँ है? भक्तों का चिंतन ऐसा थोड़ी है, कर्मी लोग ऐसा सोचते हैं, दुख नहीं करे बाबा। तो कर्मियों का मनोभाव है, कर्मी नहीं बननी है, भक्त बननी है। तो इसके लिए आश्रय और दूसरा आनुगत्य। चलो मैं आश्रय ले लिया, जो भी मन तन जो भी था आपका, आपकी शरण में है उतना नहीं, बस मैंने आपके शरण में हूं, करूंगा तो मेरे हिसाब से, अभी तक जितना मेरे पास है मैं आपके शरण में रखता हूं, अभी मैं करूंगा मेरे मनमानी से, इसको इससे भी नहीं होगा। दो चीज मैंने बोला, आश्रय के साथ साथ अनुगत्य, अनुगत्य यानी सब कुछ अर्पण करने के बाद भी आप जो बोलोगे वही करूंगा, ये है, ये है। सिर्फ आश्रय से नहीं चलेगा, आश्रय के बाद अनुगत्य होना पड़ेगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना
सुत स्वभाव जो भी करोती सकलम परस्मै। हाँ नारायण ये समर्पण, ये समर्पण है, ये आश्रय है एक्चुअली। जो भी मेरे पास है, काये नो वाचा मनुष्य काय यानी शरीर, वाचा वाणी मन, मन इंद्रियवा जो भी इंद्रिया है, सब कुछ सकलेन्द्रियवा सब कुछ के द्वारा आपके शरण में आना, ये पूर्ण आश्रय है। तो कोई व्यक्ति उसके जीवन में कोई अच्छा कार्य अगर नहीं भी कर पाता है, सिर्फ गुरु के शरण में रहता है, अनुगत्य में रहता है, गुरु जो बोलते वो करता है, उसका जीवन में तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, कहते हैं कि शीघ्र जाए तरी, बहुत जल्दी उसका जो है संसार से मुक्त हो जाएगा, वो व्यक्ति तर जाएगा, उसके लिए कठिन नहीं है। तो कुल मिलाकर समझ यही है कि किसी भी हाल में हमको गुरु का शरण प्राप्त करनी है, शरण लेनी है, और साथ साथ में उनके अनुगत्य में हमको भजन करनी, वो जैसे बोले, वो जैसे बोले हमको वैसे भजन करनी है, ठीक है। तो गुरु अपराध से बचने के लिए कुछ चीजें हमने नोट डाउन किए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा सुन लीजिए। चलो, प्रभुपाद जी ही हमारा मूल शिक्षा गुरु है, तो किसी किसी भक्त के मन में जिज्ञासा हो सकता है, हमने तो चलो गुरु हमने स्वीकार करेंगे तब हम अपना सेवा, अभी तो हमने गुरु स्वीकार ही नहीं किया ना। श्रील प्रभुपाद जी हमारा मूल शिक्षा गुरु है, ध्यान रखिएगा। हम शिक्षा कहाँ से ले रहे हैं, प्रभुपाद जी का ही तो शिक्षा है ले रहे हैं। प्रभुपाद जी हमारा मूल शिक्षा गुरु, जब तक हम कोई दीक्षा गुरु को स्वीकार नहीं किए तब तक हम प्रभुपाद जी को ही हमारा शिक्षा गुरु के रूप में मानकर उनको हम पूजा पाठ करें और उनको हम गुरु माने। और जब हम कोई प्रामाणिक गुरु का शरण ले लेते हैं तो हमारा वो दीक्षा गुरु होंगे, वो हमारा दीक्षा गुरु होंगे। तो ये समझना पड़ेगा मूल शिक्षा गुरु प्रभुपाद महाराज। तो कुछ चीजें हमने नोट किया, वैसे तो और भी शास्त्र में बताया गया, मैंने हरिनाम चिंतामणि चैतन्य चैतन्य से कुछ चीजों को नोट किया। गुरु के चरणों में गिरकर अगर अपराध हो गई है क्या करना चाहिए, गुरु के चरणों में गिरकर उन्हें अपराध क्षमा मांगनी चाहिए, जाके गिरना पड़ेगा, रोकर, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, रोकर क्षमा मांगनी है गुरु के चरणों में जाकर, हे गुरुदेव मेरे से ये अपराध हो गया आपके चरणों में। चलो पता हो गया तब, नहीं पता है तो, नहीं पता है तो भी जाके माफी मांगो, कहीं ना कहीं मेरे से अपराध हुआ आप क्षमा करिए, रो के गिड़गिड़ाना पड़ेगा गुरु की चरण पकड़कर, तब गुरु कृपा करते हैं। तो गुरु की चरणों में जाके क्षमा याचना करनी पड़ेगी। वैष्णव अपराध में क्या बताया गया, जिनके चरणों में अपराध किया उनकी चरण पकड़ के क्षमा मांगो, अभी गुरु के चरणों अपराध, गुरु की चरण पकड़कर क्षमा मांगनी है। और कैसे, हृदय से, हृदय से मांगना है, ऐसा नहीं कि बाहर से गुरु महाराज क्षमा कर दो, मन में चल रहे वही करूंगा जो मेरे मन में चल रहा है, आप क्षमा कर दो बस बाहर से, ये सही अपराध क्षमा याचना नहीं है, क्षमा याचना नहीं, मैं हृदय से आपके प्रति जो अपराध किया हूँ हृदय से मैं माफी मांगता हूँ, और साथ साथ में आज से मैंने ऐसा अपराध नहीं करूंगा, इसको कहते हैं अपराध मुक्ति। दूसरा, प्रतिदिन शुभ मंगल आरती में गुरुवाष्टकम को गानी है, उसके अर्थ को समझ समझ कर, संसार दावा नल्लोक, हम लोग गुरुवाष्टकम चर्चा कर लिए, वैसे आप लोग उसको वापस सुन सकते हैं, उसको आप स्मरण कर सकते हैं, गुरुवाष्टकम को गाते हुए सुबह रोज एवरीडे, ये डेली का कार्य होनी चाहिए भक्तों के लिए, प्रतिदिन नियमित त्रिसंध्या करनी है, ये ब्राह्मण दीक्षित भक्तों के लिए हमने लिखा है, त्रिसंध्या करनी है सुबह दोपहर शाम को, गुरु का स्मरण करते हैं जो जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण दीक्षित, शास्त्रों को ध्यान पूर्वक अध्ययन करनी है, चौथा हमने लिखा शास्त्रों को बड़ा ध्यान से अध्ययन करनी पड़ेगी, पांचवा हरे कृष्ण महामंत्र को नियमित ध्यान पूर्वक जप करनी है, छठा प्रतिदिन गुरुदेव का लेक्चर या कथा सुननी है, ध्यान पूर्वक सुननी है उसको नोट बनाना है, ये चर्चा हमने किया था पीछे, सातवा प्रतिदिन नियमित गुरु पूजा करनी है, साथ साथ में गुरु वंदना गाते हुए गुरु पूजा हमको करना है। ये कुछ चीज हमने नोट किया है, अगर ये हम करते हैं तो प्राय गुरु कृपा हो जाती है, गुरु अपराध से हम बच पाएंगे, मगर अपराध बहुत खतरनाक है, इसके लिए अपराध करने से हमको बड़ा भय होनी चाहिए, हमेशा बचनी चाहिए,
और हम लोग का जीवन का मूल उद्देश्य होनी चाहिए गुरु वैष्णव की शरण में रहकर भजन करनी है। इसके अलावा और कोई निस्तार नहीं है, कोई विस्तार नहीं, हमें और कोई नहीं बचा सकता है, दो ही लोग बचा सकते, गुरु वैष्णव। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो आज हम